हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भेलपुरी, जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और साथ ही हम बनाएंगे ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, जो कि भेलपुरी के साथ साथ चाट के साथ बनाई जाती है, सेव पूरी के साथ बनाई जाती है, पानी पूरी के साथ बनाई जाती है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, भेलपुरी बनाने से पहले हमें चटनियाँ बनानी होंगी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी इमली ली है, जिन्हें हम भिगोकर रखेंगे गर्म पानी में। एक गिलास पानी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और इमली में डाल दिया है। आप देख सकते हैं, करीब करीब 10 से 15 मिनट के लिए इमलियों को इसी तरह से छोड़ देना है रेस्ट पर। तो जब तक इमली को हमने रेस्ट पर रखा हुआ है, हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। सो ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर के जार में ऐड कर रही हूँ ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। साथ ही ऐड कर रही हूँ मिंट लीव्स, पुदीने की कुछ पत्ती। जितनी क्वांटिटी में हरा धनिया लिया है, उतनी ही क्वांटिटी में पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। 3 हरी मिर्च यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदरक के छोटे टुकड़े। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1/2 चम्मच यहाँ पर जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। पानी डालने के बाद जार के ढक्कन को बंद करके हम अच्छे से चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं, ग्रीन चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट चटनी बनी है। इसे आप एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो चलिए इमली की चटनी बना लेते हैं। जो इमलियाँ हमने भिगो कर रखी थी गर्म पानी में, करीब करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, हाथों को अच्छे से धो लीजिए और सारा पल्प आप निकाल लीजिए इस तरह से। 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से आपको सारा पल्प अच्छे से निकाल लेना है इमलियों में, जिससे कि जो सारा खट्टापन है इमली का वो पानी में आ जाए। पल्प निकालने के बाद आपको करना क्या है, छन्नी की मदद से इमली का सारा पानी एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, जिससे कि जो इमली के छिलके हैं वो अलग हो जाएं और पानी अलग हो जाए। इस तरह से चम्मच की मदद से इमली का सारा पानी आप निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं, इमली का सारा पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है। तो चलिए चटनी में बघार लगा देते हैं। उसके लिए एक छोटी कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाता है, हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चुटकी हींग। साथ ही ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा। 1/4 चम्मच राई मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हल्के से भुन जाते हैं, हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे इस तरह से। इमली का पानी डालते से ही हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। यहाँ पर 1 कप गुड़ मैं ऐड कर रही हूँ। गुड़ मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। बाकी के मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गुड़ को मेल्ट होने तक आपको चटनी को अच्छे से पका लेना है, करीब करीब 4 से 5 मिनट के लिए। चटनी को पकते हुए करीब करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, गुड़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो इमली की चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बोल में आप इमली की चटनी को ट्रांसफ़र कर लीजिए भेल बनाने के लिए। तो दोस्तों, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनियाँ बनी हैं दोस्तों। ये चटनी सिर्फ भेल के साथ ही नहीं, सेव पूरी के साथ भी बनती है, चाट के साथ भी बनती है, या फिर आप कोई भी डिश बनाएंगे दोस्तों, तो ये चटनियाँ बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। तो चटनियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं, तो चलिए भेल बना लेते हैं। सो भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मुरमुरे ले लिए हैं। करीब करीब 5 से 6 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। कितने लोगों के लिए आपको बनाना है, उस हिसाब से आप मुरमुरे की क्वांटिटी ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। साथ ही ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर, करीब करीब 3 से 4 चम्मच। साथ ही ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच उबले हुए आलू, जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको एकदम बारीक ही कट करना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच।
आधा चम्मच अमचूर पाउडर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, आधा चम्मच जीरा पाउडर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, दो चम्मच हम यहाँ पर हरी चटनी ऐड करेंगे और साथ ही ऐड कर रही हूँ इमली की चटनी। करीब करीब 3 से 4 चम्मच इमली की चटनी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इमली की चटनी हमने डाल दी है। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पानी पूरी वाली पापड़ी जो कि मैंने मार्केट से ले ली है। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है दोस्तों। तो यहाँ पर पापड़ी मैंने डाल दी है इस तरह से चूर मूर करके। साथ ही ऐड कर रही हूँ आलू भुजिया वाले बारीक सेव। आप कोई भी नमकीन सेव इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। भेलपुरी को बहुत ही अच्छे से आपको मिला लेना है। हाथों को अच्छे से धो लीजिए। आप चाहें तो चम्मच से भी मिला सकते हैं, पर हाथ से मिलाने में जो मसाले हमने डाले हैं वो बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हाथ से मिला रही हूँ। तो भेलपुरी को बहुत ही अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। ऑलमोस्ट हमारी भेलपुरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर आप भेलपुरी को थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कम तीखा या कम मीठा लग रहा है तो आप चटनी ऐड कर सकते हैं, बाकी के मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो भेलपुरी को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से सर्व करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों। कोई भी डिश हम बनाते हैं जिस तरह से हम सर्व करते हैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एक प्लेट में मैंने भेलपुरी निकाल ली है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक वाले नमकीन सेव। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पापड़ी। पापड़ी हम पहले भी डाल चुके हैं पानी पूरी वाली। ऊपर से भी आप इस तरह से डालकर सर्व करेंगे तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है दिखने में, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसी तरह की न्यू और यूनिक रेसिपीज हमेशा लाते रहते हैं। तो जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।